Hey guys, welcome back in another video। और आज हम बात करेंगे, फाइटर का ट्रेलर जो है आ चुका है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, मैं इस मूवी को अभी आने से पहले कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि भाई मुझे ट्रेलर देखकर मजा आया, क्योंकि 3D में आने वाली है और इंडिया में ऐसी मूवियां बहुत कम बनती हैं। इससे पहले तेजस बनी थी, कंगना रनावत का जो बुरा हाल हुआ था वो आपने देख लिया था। लेकिन अगर यहाँ बात करें फाइटर की, तो फाइटर बहुत ही जबरदस्त भाई मुझे तो लग रही है अभी तक ट्रेलर में। लेकिन थोड़ा सा VFX क्वालिटी इंडिया के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, हालांकि बाकी मूवियों के मुकाबले तो वो कुछ सही लग रही है, क्योंकि इस मूवी का बजट जो है अच्छा खासा है, 250 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। 250 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, कि ऐसा नहीं है सिर्फ कागजों पर लिखा हुआ देख लिया, उसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी मूवियां बन सकती हैं। बॉलीवुड में इस चीज का एग्जाम्पल जो है हमें कई मूवियों में देखने को मिला है, कम बजट में भी अच्छा जो है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अच्छी मूवी क्वालिटी के साथ में। तो यहाँ भी वही सब हमने एक्सपेक्ट किया है, और वो जितने भी इसमें सीन दिखाए गए हैं वो बिल्कुल जबरदस्त लग रहे हैं। ऋतिक रोशन उसमें जच रहे हैं, दीपिका पादुकोण उसमें जबरदस्त लग रही है, जिसे हिट मशीन की गारंटी दे दिया गया है नाम के। ये बिल्कुल हिट मशीन है, अगर ये मूवी में आ गई तो मूवी अभी हिट हो जाएगी, क्योंकि बंदी ने 4 साल पहले फ्लॉप मूवी छपाक दी थी, उसके बाद में लगातार हिट निकल रही है। ट्रेलर में सभी कैरेक्टर बहुत ही सही लग रहे हैं और मूवी काफी अच्छी जाने वाली है। लेकिन यहाँ इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये किसकी कॉपी लग रही है, बिल्कुल डिटो कॉपी है टॉप गन मैवरिक की। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, टॉम क्रूज की इससे पहले मूवी आई थी टॉप गन मैवरिक, यहाँ पर कुछ सीन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं फाइटर के अंदर भी। लेकिन यहाँ जो बिल्कुल देशभक्ति वाला सीन तिरंगा लेते हुए हमें ऋतिक रोशन को दिखाया गया है, वो दर्शकों के बिल्कुल बिल्कुल छूने वाला है, और वही इस मूवी का जो है एक्स फैक्टर साबित होगा। साथ में अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण तो हैं ही, और उनकी लव स्टोरी एंगल भी बिल्कुल सही दिखाया गया है, और दोनों ऑफिसर यूनिफॉर्म में भी जच रहे हैं। इससे पहले हमने तेजस का तो बुरा हाल देख ही लिया, हालांकि साल के शुरुआत में ही इस मूवी को रिलीज करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिद्धार्थ आनंद के सामने, क्योंकि इससे पहले 2023 में वो बहुत ही जबरदस्त मूवी पठान दे चुके हैं, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी रही है। क्या दूसरे साल भी वो अपना कब्जा बॉलीवुड पर जमा पाएंगे पहले ही महीने में, तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है। हालांकि सब कुछ सही रहा तो ये मूवी बहुत ही अपने लेवल पर जाने वाली है, क्योंकि ऋतिक रोशन से हर कोई वही एक्सपेक्ट करता है जो उन्होंने टाइगर 3 में आकर अपने 1 मिनट के सीन से टाइगर 3 में सलमान खान को पीछे कर दिया था। वही उम्मीद हर कोई फैंस उनसे लगाए हुए है कि वो फाइटर के अंदर पूरी फिल्म में क्या धमाका करेंगे। बाकी इस तरह की नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। धन्यवाद।